अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इट्स माय लेक्चर नंबर 15 फॉर क्लास 2 सब्जेक्ट कंप्यूटर एंड आवर टुडे चैप्टर इज पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ अ मोनीटर, कि मोनीटर क्या होता है। आंसर, इट लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन, कि जो हमारा मोनीटर होता है स्टूडेंट्स वो हमारे टीवी स्क्रीन की तरह का ही होता है। ये देखें स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मोनीटर की पिक्चर ले रखी है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा मोनीटर है वो हमारे टीवी स्क्रीन की तरह का ही दिख रहा है। इस स्टूडेंट्स मोनीटर को हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है VDU और फुल फॉर्म हो गई विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसको मॉनिटर भी बोलते हैं और विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोलते हैं। मॉनिटर हमारी टीवी स्क्रीन की तरह का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कीज़, कि कीज़ क्या होती हैं। आंसर, अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़, कि कीबोर्ड के स्टूडेंट्स जो बहुत से बटन्स होते हैं ना कीबोर्ड पर, उन बटन्स को हम कीज़ बोलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह का कीबोर्ड होता है। अभी इसके ऊपर जितने भी बटन्स हैं ना, बहुत से बटन्स हैं यहाँ पर, और हम इन बटन्स को कीज़ बोलेंगे। ये कीबोर्ड की कीज़ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर एक्ट एज इट्स ब्रेन, कि कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जो उसके ब्रेन की तरह काम करता है। आंसर, CPU, कि जो कंप्यूटर का CPU होता है वो उसके ब्रेन की तरह काम करता है और उसके सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर CPU की मैंने पिक ली हुई है। ये जो CPU है, जो नॉर्मल CPU होते हैं वो इस शेप में होते हैं। CPU की बहुत सी शेप्स होती हैं, बट आपके बुक में ये वाली शेप गिवन है, ठीक है। ये ब्रेन की तरह काम करता है कंप्यूटर के। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ अ माउस, के माउस क्या होता है। आंसर, अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, कि जो माउस है स्टूडेंट्स वो पॉइंटिंग डिवाइस है। पॉइंटिंग डिवाइस मीन्स माउस को हम थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स मोनीटर पर अगर हमें किसी चीज़ को क्लिक करना है, किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना है, तो हम माउस को माउस पैड पर ड्रैग करते रहेंगे। जैसे जहाँ जहाँ हम माउस को मूव करेंगे, जो हमारा होगा कर्सर, वो हमारा मोनीटर की स्क्रीन पर वो मूव होता रहेगा। मीन्स माउस से हम थिंग्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, थिंग्स को पॉइंट कर सकते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। माउस फ्रेंड्स देखें, माउस इस तरह का होता है और ये थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 3 डिवाइसेस यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली, कि स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 डिवाइसेस के नेम बताने हैं जिसमें हम हमारी इंफॉर्मेशन को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। मींस हमेशा के लिए, जब तक हम चाहें हम उन डिवाइसेस में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं, और हमें उन डिवाइसेस के 3 नेम्स बताने हैं, 3 डिवाइसेस बतानी हैं। आंसर इज़ CD, DVD एंड USB, कि ये 3 डिवाइसेस हैं स्टूडेंट्स के जिनमें हम हमारी कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो वो परमानेंटली स्टोर रहेंगे। जब तक हम उन्हें खुद डिलीट नहीं करेंगे तब तक वो उसकी मेमोरी में से डिलीट नहीं होंगी। देखिए स्टूडेंट्स, जो CD और DVD होती है ना, उनकी एक ही शेप होती है, राउंड शेप में होती हैं CD भी और DVD भी। लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि DVD में CD से ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम हमारी DVD में स्टोर कर सकते हैं रादर देन CD। और जो आपकी USB होती है स्टूडेंट्स, वो इस तरह की होती है, आप इसको ईजीली अपनी पॉकेट में कैरी कर कहीं भी ले जा सकते हैं। ये 3 डिवाइसेस हो गई इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। अब स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर दी 4 मेन पार्ट्स ऑफ आ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के 4 मेन पार्ट्स हमने बताने हैं जिनके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। आंसर है, 4 मेन पार्ट्स आर, के वो 4 मेन पार्ट्स गिवन हैं। नंबर 1 मोनीटर, नंबर 2 CPU कैबिनेट, नंबर 3 कीबोर्ड, नंबर 4 माउस, के ये वो 4 पार्ट्स हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम रिव्यू कर लेते हैं। मॉनिटर जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह का होता है। नंबर 2 CPU कैबिनेट, जो कि उसके ब्रेन की तरह काम करता है, और मॉनिटर टीवी स्क्रीन की तरह होता है। ऐसे ही कीबोर्ड से हम कोई भी फाइल अपनी, हमारी जो हमने टाइप करनी है, उसको हम कंप्यूटर पर कीबोर्ड की हेल्प से टाइप कर सकते हैं। माउस से हम थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है। ये 4 पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के, जो कंप्यूटर को कंप्लीट करने के लिए, उसका एक पूरा सिस्टम बना
बनाने के लिए ज़रूरी हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, के हार्ड डिस्क क्या होता है? आंसर, अ हार्ड डिस्क लुक्स लाइक अ बॉक्स, कि जो हार्ड डिस्क होती है स्टूडेंट्स वो एक बॉक्स की तरह होती है। व्हेन यू सेव अ फाइल ऑन द कंप्यूटर इट इज़ स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क, कि जब आप कंप्यूटर पर कोई फाइल सेव करते हैं ना तो वो उसकी हार्ड डिस्क में सेव होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने माय सेल्फ पर या माय फेवरेट फ्रूट पर ऐसे टाइप करना है और मैं कंप्यूटर पर उसको पूरा टाइप कर लिया मैंने और अब मैंने उसको सेव करना है, तो जब मैं अपनी उस फाइल को, अपने उस एसे को कंप्यूटर पर सेव करूँगी ना तो वो उसकी हार्ड डिस्क में सेव होगा, उसकी मेमोरी में सेव होगा जो कि उसकी हार्ड डिस्क में होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हार्ड डिस्क है ना ये इस तरह की शेप में होती है, दिखने में हार्ड डिस्क इस तरह की होती है और ये CPU के अंदर फिक्स हुई हुई होती है और हम जो भी फाइल सेव करते हैं कंप्यूटर पर वो इसी हार्ड डिस्क में स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, गिव एग्जांपल्स, के आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हमने एग्जांपल्स देनी है। अब देखें स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या होता है? आउट होता है बाहर की तरफ, पुट मींस जो हम डालते हैं, आउटपुट का कलेक्टिव मीनिंग हुआ कि वो इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर को देते हैं और कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन बाहर भी आ सकती हैं। ठीक है, आंसर, आउटपुट डिवाइसेस आर यूज टू गिव आउटपुट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड, के आउटपुट डिवाइसेस स्टूडेंट्स वो डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन हम बाहर ले सकते हैं और वो जो हमारा डाटा होगा, जो हमारी आउटपुट होगी वो वर्ड्स की फॉर्म में होगी, टेक्स्ट की फॉर्म में मींस कोई टाइप की भी फाइल होगी, इमेजेस होंगी या साउंड होंगे, ये इन सभी थिंग्स की फॉर्म में, वर्ड्स, टेक्स्ट, इमेजेस और साउंड की फॉर्म में हम कंप्यूटर से अपना आउटपुट बाहर ले सकते हैं। ये आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से होता है और आउटपुट डिवाइसेस हमें ये सब पढ़ने में हेल्प आउट करती हैं। द आउटपुट डिवाइसेस आर, और जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो है मॉनिटर एंड प्रिंटर। मॉनिटर मींस कि अगर मैं कोई चीज़ टाइप करूँगी मॉनिटर की स्क्रीन पर तो वो मॉनिटर से बाहर भी आ सकती हैं प्रिंटर के थ्रू, कि मैं प्रिंटर पर प्रिंट ले लूँगी प्रिंटर से और जो मैंने अपना ऐसे टाइप किया होगा या जो भी मेरी फाइल होगी वो मुझे वर्ड की फॉर्म में, टेक्स्ट की फॉर्म में मिल जाएगी। अगर मुझे कोई डायग्राम, कोई पिक्चर पसंद आई है तो मैं उसका भी प्रिंट ले लूँगी तो कंप्यूटर सिस्टम से वो इमेजेस भी बाहर आ जाएंगी, मुझ तक पहुंच जाएंगी और जो साउंड्स होंगे वो भी मैं कॉपी कर सकूंगी। मींस मॉनिटर और प्रिंटर वो डिवाइसेस हैं जिनसे हम कंप्यूटर सिस्टम को आउटपुट देते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं, आपने अब इनको लर्न करना है।